चूरन या फिर चूरना जो होता है वो फाइन पाउडर होता है ड्रग का, किसी एक ड्रग का या फिर बहुत सारी ड्रग्स का, ठीक है। मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ड्रग्स को, जो भी हमारी ड्रग है उसको सबसे पहले हम लोग क्लीन करते हैं, यानी कि साफ़ करते हैं, फिर उनको अच्छे से सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि मोर्टर और पेस्टल में उसका पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के बाद में हम लोग उसको छान लेते हैं, सबसे पहले 80 मैश साइज़ की सीव से छानते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग उसको वापस से एक किसी कपड़े से छानते हैं, किसी क्लीन क्लोथ से छानते हैं, ठीक है। ड्रग्स आर सेपरेटली पाउडर एंड सीव। सबसे पहले क्या किया जाता है, ड्रग्स को अलग अलग ड्रग को अलग अलग करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और छाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद में उनको आपस में मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, एज़ पर फॉर्मुलेशन, जैसे हमारे फॉर्मुलेशन में बताया गया है। जितना पाउडर जो है, पाउडर की जो पार्टिकल साइज है जितनी छोटी होगी उससे ही ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा हमको क्या मिलेगा, थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिलेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब साइज़ छोटा होता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा अच्छा थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चूरन जो होता है उसको किसी भी एक सॉल्वेंट के साथ लिया जाता है, जैसे मिल्क हो गया, बटर मिल्क यानी कि छाछ हो गई, घी या फिर हनी के साथ लिया जाता है, जैसा कि हमारे फॉर्मुलेशन में बताया गया है और जैसे हमको डॉक्टर ने इंडिकेट किया है। घी और हनी जो है, अगर हम लोग चूरन को घी या फिर हनी के साथ लेते हैं तो घी और हनी जो है हमको वाटर की क्वांटिटी से दुगुना लेना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिजर्वेशन देखते हैं। प्रिजर्वेशन में जो हमारी चूरन होती है उसको एयरटाइट कंटेनर्स में रखना होता है और इनको 2 मंथ में यूज़ करना होता है, ठीक है। इनको जो एक्सपायरी डेट होती है ये आफ्टर 2 मंथ्स होती है।